अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एक ऐसा जगह दिखाने वाला हूँ जो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले जो है कभी भी नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। तो मैं वाहिद बंदा हूँ जो इसको एक्सप्लोर करूँगा आज अपनी वीडियो में, और मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा सारी चीज़ें। तो ये जगह जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पुरसकून माहौल है, और ये है डिस्ट्रिक्ट बुनेर में। बुनेर से जब आप पीर बाबा से जब आप मलंगदर की तरफ आओगे तो तकरीबन कोई 12 किलोमीटर का रास्ता है, और जहाँ तक रोड आ रहा है तो जहाँ पे आप अपनी गाड़ी या बाइक पार्क पार्क करोगे तो वहाँ से तकरीबन आपको कोई 10 या 15 मिनट की जो है वो पैदल रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक रोड नहीं है। तो आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है पैदल आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फ़ोन के किसी से भी जब पूछोगे तो आपको बता देगा कि यारो तंगी या मलंग कहाँ पर है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है एडवेंचर होने वाला है आज, और यहाँ पे कुछ आबशार्स वगैरह है और पुरसकून माहौल है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो साथ इसको करते हैं एक्सप्लोर, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी आया हुआ है तो इसको करते हैं आज एक्सप्लोर। Stay connected with me. तो गाइस ये देखें, ये रास्ता जा रहा है, और यहाँ पे अंदर ये ना बाहर देखिए आप लोग, यहाँ पे आप आराम से सो सकते हो। ये देखिए अंदर, इसके नीचे भी एक है, ये भी देख लीजिएगा जनाब। वाह, तो बहुत ही मज़े का व्यू है। और अभी हम लोग जो है जाने वाले हैं डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन पे हम जाने वाले हैं, तो वहाँ पे जाके हम आपको देंगे सरप्राइज। और ये दिखेगा, मैं पूरा दिखा रहा हूँ अंदर आप लोगों को, और ऊपर भी अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो ऊपर भी ये बड़ा सा ना रॉक है, ये दिखेगा जना। तो चलो चलते आगे। हाँ तो गैस, हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो ये है, ये वाटरफॉल देख के आप लोग, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये है, इसके ऊपर भी जो है एक वाटरफॉल है, ये दिखेगा व्यू जनाब। तो हम ट्राई करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाए, हमारी 100% कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें और आप लोगों के साथ ये सारा जो व्यू है ना ये शेयर कर पाए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और हम इंशाल्लाह आगे आपको जो है ये चीज़ें दिखाने वाले हैं। हाँ तो गैस, रास्ते की हालत कुछ यूँ है, जो रास्ता जा रहा है वहाँ तक वो ये है, और ऊपर का व्यू अगर मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरह व्यू है। ये बड़े बड़े रॉक्स है, दरख्त है, और ये रेड घास वगैरह भी देखते हैं आप लोग यहाँ पे। और तो गाइस ये व्यू देखिए, ये रॉक देखिए बड़ा सा, इसके अंदर जो है ना ये एक पूरा गार है। अगर मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊं ये तो जनाब ये दीजिएगा, ये देख लीजिए जनाब, वाह पूरा देख लीजिए अंदर। यहाँ पे इतने बड़े बड़े गार है, देखो लगता है कि ये ना पूरे जो है ना घर टाइप बने हुए अंदर। और ये है नीचे का व्यू, ऊपर भी आप लोगों को एक आबशार नजर आ रहा होगा, ये दिखिएगा जनाब। तो जनाब जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये जगह देखने को मिलेगा, ये देख लीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा सा रोक है नीचे। यहाँ तक मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो है ये बड़ा सा जो है एक रॉक है ये देखने को मिलेगा, और इसके बाद अगर मैं यहाँ तक आऊँ नीचे तो बहुत ही ख़तरनाक जगह भी है, गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये दरह देख लीजिएगा, वाह, इसके बाद ये भी एक रॉक है, और एक खूबसूरत जगह यहाँ से ना
ये पानी बह रहा है टॉप से, वो आबशार भी अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऊपर जाके। ये देख लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक जगह है। मेरे पास ड्रोन नहीं, और ना ड्रोन का बहुत ही ज़बरदस्त शॉट आता है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव ड्रोन राइट नाउ। सो इसके बाद इस सामने ये रोक देखिए कि जनाब, यहाँ से ना अगर कोई गिर जाए तो क्या हालत होगी बंदे की टॉप पे। तो ये जो है नीचे का व्यू है, और अभी जो मैं व्यू दिखाने वाला हूँ ना, आंखें बंद कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ से अगर कोई गिर जाए तो क्या हालत होगी उसकी, ये देखो। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर तक जो है आ चुका हूँ, तो साथ में आप लोग ये रॉक्स भी देख ले, इतने बड़े बड़े रॉक्स है यार, ऊपर तक देख लीजिएगा, कोई चढ़ने का रास्ता नहीं है इसमें। और फाइनली मैं आबशार तक पहुंच गया हूँ ऊपर, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे से, मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिएगा, ऊपर से आ रहा है ना पानी बह रहा है, थोड़ा सा हिडन है अभी भी, लेकिन मैं मज़ीद नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ तक गया तो फिर ना तो नीचे जाने का रास्ता है और ना ऊपर आने का। तो जगह जो है बहुत खतरनाक है, आप सामने इन रॉक्स से जो है अंदाज़े लगा सकते हो। ये देख लीजिए ना, तो बहुत ही डेंजर प्लेस में जो है वो मैं आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता था ये इतना डेंजर होगा। तो गैस ये वो बड़ा रॉक है जो मैंने आप लोगों को टॉप से दिखाया, और मैं बिल्कुल इसके बॉटम में खड़ा हूँ भी। ये देख लीजिएगा जनाब, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये एक दरख्त है, और ये बिल्कुल ना इसी जो पत्थर है ना इसके साथ ये चिपक गया है अंदर, बिल्कुल इसके अंदर इसने अपना एक रास्ता बनाया हुआ है। ये देख लो, टॉप तक गया हुआ इस तरह, और इसके अंदर इसने ना खुद के लिए रास्ता बनाया हुआ। तो कोशिश से जो है ना रास्ते बनते हैं, जिस तरह इस दरह ने इस पत्थर में अपने लिए रास्ता बनाया, तो आप लोग भी जो है ना रास्ते बना सकते हो किसी भी चीज़ में, इस पत्थर की या रॉक की आप हालात दे के जनाब। ये एक दरख्त, ये दरख्त ना यहाँ पे बाहर निकला हुआ है फिर इस तरह से, और नीचे का कुछ व्यू इस तरह है, तो बहुत मज़े की व्यू है यार।
गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे आबशार के पास और ये रास्ता है, ये देख लीजिएगा पीछे एक बड़ा रॉक है यहाँ पे, तो रास्ता बहुत खतरनाक है। सो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो गाइस ये रॉक देखे, ओह माय गॉड बहुत बड़ा यार, यहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे जाके जो है ना ख़त्म होता है, तो इस रास्ते से हम गुजरने वाले हैं। तो जनाब ये देखें ये व्यू, यहाँ से ना अगर मैं लूँ इसको तो कुछ इस तरह का व्यू है, इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है, ये देख लीजिए। हाँ तो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंच चुके हैं, और जिस आबशार का मैंने आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉमिस किया था वाटरफॉल का, तो फाइनली मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और अभी मैं आप लोगों को जो है ना पूरा ये व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरे से।